फर्क तुम्हें पता है कि तुम्हारी नसीन खाना का सारा हॉस्पिटल का खर्चा किसने उठाया? सुरेल भाई का काफी आना जाना रहा है। फर्क तुम्हें काम करोगे जी, लेकिन प्लीज इस बात का भाभी को ना पता चलना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई बात नहीं करूंगी भाभी से। असल में बात यह है कि आप अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं अंदर तुम्हें ही देखने आ रहा था, काफी टाइम लगा दिया था तुमने। खैरियत है आप? हाँ, डॉक्टर आबिया के यहाँ रश ही इतना होता है, इसीलिए टाइम लग गया। क्या कहा डॉक्टर ने? बस काफी दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने सोचा आई हूँ तो चेक करवा लूँ। आप अभी तक परेशान हैं? हाँ? नहीं, परसों आ जाएंगी ना रिपोर्ट्स, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। तैमूर को कुछ नहीं बताना, यूं ही फिक्रमंद होगा ये सब सुनकर। जब उसे पता चलेगा हम अचानक से डॉक्टर के पास आए हैं, कल टेस्ट के लिए जाएंगे, पता तो उसे चल ही जाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा उसे जब तक मैं या तुम उसे नहीं बताएंगे। सुहेल, रिपोर्ट्स आ जाएं, डॉक्टर को चेक करवाने के बाद जो भी होगा वो तो उसे बताना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। घर चलें, रमशा पता नहीं अभी तक सोई है या नहीं, अली को तो आदत हो गई है देर से सोने की। भाई फलक ने सुला दिया होगा बच्चों को, बहुत ख्याल रखती है वो दोनों का, और दोनों बच्चे भी फलक के साथ बहुत खुश रहते हैं। माँ से ज्यादा बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। चलें, आइए। रमशा क्या हुआ बेटा? उठाए इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। हटो पीछे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी हवाले कर गई थी ना मैं अपने बच्चों को, देख लिया क्या हाल कर दिया मेरे बच्चों का। भाभी मैं तो बच्चे सुला के गई थी। सुहेल आप देख क्या रहे, उठाए इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। भाई मुझे दे, मैं लेके जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, बस देख लिया मैंने कितनी बर्बाद है मेरे बच्चों की, थोड़ी सी देर नहीं संभाल सके। कुछ चैन मिल जाएगा जब इसे कुछ हो जाएगा। सुहेल उठाइए आप। अरे भाई मुझे दे, मैं आराम से, मैं भी चलती हूँ। आ जाओ बेटा। नहीं नहीं अक्के साहब, तुम रुको, मैं तैमूर के साथ जा। सुहेल सुहेल, अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा। अब हम लोग तो गाली खेल लेते, अगर रमशा को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
डॉक्टर, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? नहीं, बस मामूली सा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप प्लीज इन्हें दे दीजिएगा, ठीक है? कि तैमूर साहब आपकी बहुत फिक्र करने लगे हैं, और हमें फिक्र उसी की होती है जिससे हमें मोहब्बत होती है। मैंने सोचा मैं आज सब्जी बना लूं, क्योंकि वीकेंड पे तो तैमूर साहब को दावत पे इनवाइट कर रहे हैं। दावत? किस खुशी में? जी वो नया मेहमान आने की खुशी में, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तैमूर साहब इतने खुश भी तो हैं, और बच्चों से तो उनका दिल खूब लगता है। तैमूर की औलाद इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए।